एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मनचिंदिया फल पावना हो मैं विचो जाए। परम सम्मानी है चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन पवित्र गोद दे विच जुड़ बैठी सात संगत जी, आज मैं जो विषय आप जी दे नाल सांझा करन जा रहा हाँ उस विषय का नाम है सेवा। इस विषय की आरंभता तो पहला और प्यार नाल फतेह दे नाल सांझ पाइए, गज के फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सेवा दे प्रति साडे मन च कई तरह के सवाल खड़े होंदे हन। सब तो पहला है कि सेवा किस नूं कहा जांदा है। किसी के भले लई कीते हुए काम नूं सेवा कहा जांदा है। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी सेवा नूं खिदमत अते टहल भी आखदे हन। सिंधी भाषा च सेवा दा उच्चारण सेवा है जिसके सही अर्थ पूजा अते भेटा हन। सेवा हर एक मत दे विच अलग अलग रूप दे विच अपनाई अते वड्याई जांदी है, पर जो रुतबा इस नूं सिख धर्म दे विच प्राप्त होया है वह शायद ही किते होर प्राप्त होया होवे। गुरु साहिब जी सेवा दे अर्थ करदे होए एक गल फरमान करदे हन कि धन जां किसी फल दी लालसा तो रहत होके कीती सेवा नूं ही सही मायने च सच्ची सेवा कहा जांदा है। सेवा करन दे नाल मनुख दे पाप कष्ट दुख सब कट्टे जांदे हन, पर शर्त यह है उस दे नाल सतगुर दा मन प्रसन्न होना चाहिदा है। बाबा जी दा बाणी च पावन फरमान भी आंदा है कि मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, सेवा करत होवे निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। मन तन लगा के सेवा करनी चाहिए है, कभी सेवा तो इतराना नहीं चाहिए। दूसरे पासे हुण आपां गुरु साहिबान जी दे जीवन दे विचों उदाहरण ते घटनावां लै लईए। गुरु नानक देव जी वालों कीती गई भारी काल कमाई दा वर्णन भाई गुरदास जी इस तरह बचन करदे हन कि सब तो पहला और ऐसिया सेवावां दा कोई महत्व भी नहीं। बाणी च इन्हां सेवावां दे प्रति यह फरमान आंदा है कि देखा देखी सब करें मनमुख भोजना पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तिन थाए। उन्हां दी सेवा थाए पैंदी है जिहड़े निष्काम भाव नाल सेवा करदे ने। अज सेवा दे भी नजरिए बदल गए हन। अज एक गुरसिख गुरद्वारा साहब च एक पक्खा भी दान करता है ते उहदे उत्ते अपनियां पंजां पुश्तां दे नाम लिखवा देंदा है। इत्थों तक कि देहधारियां दे गोडे कुटन अते तीर्थां ते इशनान करन नूं लोक सेवा मन्नी बैठे ने, पर बाबा कबीर जी इन्हां लोकां नूं इह गल कहिंदे हन कि नहाउण नूं तां तीर्थ बहुत हन अते पूजन नूं देवते भी बड़े हन, पर इन्हां दी पूजा कीतियां अते इन्हां पाणियां च नहाए कदी सतगुर की सेवा प्राप्त नहीं होंदी और ना ही इस देह तो छुटकारा मिलता है। यह देह तो छुटकारा केवल उस अकाल पुरख की सेवा और उसकी उस्तत कीत्या ही मिल सकता है। उन्हों का बाणी च फरमान आता है कि नावन को तीरथ घने मन बोरारे, पूजन को बहुदेव कहे कबीर छूटन नाही मन बोरारे, छूटन हर की सेव। इस करके सेवा ओदी करनी चाहिए है जिन्हें अंत समय सहायक होना होवे। अज स्वार्थ दे अधीन की सेवा केवल ते केवल होमे नूं ही वधा रही है। होमे अते नाम दोवें इक्को थाए नहीं रह सकते क्योंकि हर होमे दे नाल ग्रस्त मनुख अपने आप नूं एक सच्चा सेवक ही कह रहा है, पर बाणी उहनूं इह गल फरमान करदी है कि होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसै इक थाए, होमे विच सेवा ना होवी तां मन बिरथा जाए। हुण फिर किस तरह पता लगे कि सेवक दे लक्षण की होण, सो हुण आपां इह बयान करांगे इक आपस दे विच कि सेवक के लक्षण की होने चाहिए हैं। आसा दी वार दे विच गुरु नानक देव जी ने सेवक के स्पष्ट रूप तो यह लक्षण दसे हैं कि सेव कीती संतोखी जिन सचो सच तिहाया, उन्हें मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। पहला गुण पातशाह जी ने सेवक का यह वचन किया है कि सेवक नूं संतोखी होना चाहिए है, अर्थात लभ लोभ तो उच्चा उठ के जीवन बितावे। सेवक की जिंदगी च गुरसिखो संतोखी का गुण इतनी प्रधानता रखता है कि इस तो बिना सेवक की अरदास भी बिरथ चली जाती है। सो प्रभ दे जन होण लई अते अरदास फल प्रदाती बनाउण लई जरूरी है कि सेवक सत ते संतोख दा धारनी होवे। जद सेवक दे विच सत ते संतोख की भावना आ जाएगी ना तां परमात्मा उसकी अरदास नूं स्वीकारेगा भी अते उस नूं कोल बिठा के सत्कारेगा भी, मान सम्मान देवेगा ते दुनिया दे विच खण जोगा कर देवेगा, उह सिख उच्चियां उडारियां नूं छूएगा। सो बाणी चा फरमान भी आंदा है कि सत संतोख करे अरदास ता सुन सद बहालै पास। दूजा गुण पातशाह जी ने सेवक दा यह वचन किया है कि उसका सेवक सच नूं तारण करेगा, अर्थात सच बोलेगा सच सुनेगा सच कहेगा सच कमाएगा अते सच दा ही धारनी होवेगा। अगर वह परमात्मा नूं सत नाम कहिंदा है या उसनूं सत नाम मनदा है तो सेवक भी उसका सच्चा ही निबड़ेगा।
एहोजे सेवक दे विच तीजा गुण यह होएगा कि वह कभी मंदे च पैर नहीं रखेगा, अर्थात मंदी सोच नहीं सोचेगा, चंगी सोच का धारनी होगा, हमेशा हते हमेशा सरबत का भला ही मंगेगा। एहोजे सेवक दे विच चौथा गुण सुते सिद्ध ही आ जाएगा कि वह धर्म की कमाई करेगा। हुण धर्म की कमाई का मतलब समझो गुरसिखो कि धर्म का मतलब यह होया कि अपने फर्जा समझेगा, अपने देश प्रति फर्जा समझेगा, कौम प्रति फर्जा समझेगा, अपने धर्म प्रति फर्जा समझेगा, परिवार प्रति फर्जा समझेगा, समाज प्रति फर्जा समझेगा, अपने घर परिवार प्रति फर्जा समझेगा। तो यह सारे फर्जा समझने तो बाद इस दुनियावी सोच तो कहीं उच्चा उठ जाएगा तो उस परमात्मा दे लड़ लग जाएगा। तो नाल दे नाल बाबा जी बाणी च यह भी कह रहे हैं कि बई खाण पीण अर्थात अन्न पानी थोड़ा खाने तो भी पराए यह गुरु जी ने कहा है कि वह अपनी इच्छावां नूं काबू रखेगा, अर्थात जिन्नी चादर हुई उन्ने ही पैर पसारेगा ते उस परमात्मा की सिफत सलाह करेगा ते उस दे विच इक मिक हो जाएगा। सो अज आप अचोके समय देख रहे हैं कि किन्ना ही गुरु घर सोना अते मार्बल लगाया जा रहा है, पर ध्यान देना उन्होंने गुरु सिखा वाल भी ध्यान दिए जेडे कि अज अपने पैरों से खड़े नहीं हो सकते। अज केवल इस करके बाणी तो पिछे हट जाए कि उन्होंने तो धन और तन की सेवा नहीं होंगी, अपाही जहान उन्हां गुरु सिखां दी भी सेवा करिए, वही गुरु की ही सेवा होएगी। बाणी च फरमान आता है कि विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसर पाई है। वैसे भी एक पश्चिमी विद्वान का कहना है कि सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड, अर्थात मनुखता की सेवा ही गुरु की सेवा है, उस रब की सेवा है, उस परमात्मा की सेवा है। सो बाणी च पावन फरमान आता है कि काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बद बिगाम विवेका, ज्यो जल तरंग फैल जल होई है सेवक ठाकुर भय एका। इस तरह सेवक ठाकुर दे विच अपने मालक दे विच रल जांदा है, रिम जांदा है। सो भाई कन्हैया जी दा उदाहरण ते आम तौर ते ही आपां देखदे आं कि किस तरह अपने होर पराए दा भेत त्याग के सेवा कीती जांदी है। सो सेवा दे इस महत्व नूं समझिए, इस नजरिए नूं समझिए कि दसा गुरु साहिबान की सोचदे सी सेवा बारे, उन्हां दे गुणां नूं अपने जीवन च धारण करिए तां ही जाके एक सच्चा सेवक बनिया जा सकदा है। सो इस विषय दे दौरान मेरे तो कोई भुल चुक होगी होए तां माफ करना। सो इनिया को बेनतियां प्रवान करनिया, भुला चुका दी माफी, गज के फतेह बुलाओ, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।